पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। भारत सरकार ने सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद तीनों सेनाओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। इसी बीच इंडियन नेवी को पता चला कि पाकिस्तान की अत्याधुनिक माने जाने वाली सबमरीन PNS साद कहीं गायब हो गई है। यहाँ आपको बता दूं कि PNS साद पाकिस्तान की मोस्ट एडवांस सबमरीन मानी जाती है। ये ओगोस्टा क्लास की सबमरीन है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगा हुआ है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कोई सबमरीन किसी नॉर्मल सबमरीन की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। PNS साद के गायब होने की सूचना मिलते ही इंडियन नेवी इसे तलाशने में जुट गई। PNS साद कराची के पास से गायब हुई थी, वहाँ से वो 3 दिन में गुजरात और 5 दिन में मुंबई पहुँच सकती थी। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुंबई में इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर भी है। अगर PNS साद इनमें से किसी भी जगह पहुँच जाती तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। 21 दिनों तक खोज करने के बाद फाइनली इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड में PNS साद को खोज निकाला। पाकिस्तान ने PNS साद को भारत के हमले से बचाने के लिए अपनी वेस्टर्न साइड में छिपा दिया था। पाकिस्तान को डर था कि भारत अपने पहले ही हमले में PNS साद पर अटैक कर सकता है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की सबसे एडवांस सबमरीन युद्ध के हालात में किसी भी काम की नहीं रहती, और पाकिस्तान की नेवी के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होता।